नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में 14 एमपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरविंद राणा के साथ एनसीसी कैडेटों ने श्री हरिवृद्ध आश्रम का भ्रमण कर बुजुर्गों की सेवा के संस्कार सीखे। इस दौरान सभी एनसीसी कैडेटों ने वृद्धों से मिलकर बातचीत की एवं उनके अनुभवों को जाना और समझा। साथ ही में कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा 16 कुर्सी, राशन एवं फलों का भी वितरण किया गया। कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा बताया गया कि हमारे देश के युवा इस तरह से सोचे कि हमारे घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम तक ना आना पड़े और एनसीसी कैडेट इस अनुभव को समझे और अपने घरों में बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। कर्नल अरविंद राणा के ने बताया कि हमारा भ्रमण भी सामाजिक सेवा का एक हिस्सा है एवं कैडेटों को मानवता एवं संवेदना का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। कर्नल अरविंद राणा ने इस बात का उल्लेख किया है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद से ही हम सब लोग अपने जीवन में मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं एवं एंडम ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल यशव छिब्बर ने कहा कि मैं जहां जहां भी पदस्थ रहा हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं बुजुर्गों के साथ मिलकर यथासंभव मदद करूं, जिससे उनका मनोबल बढ़े, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूं। एनसीसी कैडेटों ने बुजुर्गों के साथ बैठकर भजन कीर्तन किया और उनकी कहानियां सुनी। इस आयोजन में बटालियन के लेफ्टिनेंट विनोद सिंह, ट्रेनिंग जी सीओ सुबेदार पोपल गुले, एनसीसी ऑफिसर कैप्टन रामानंद मिश्रा, लेफ्टिनेंट विनीता प्रजापति, सीटीओ उषा टिग्गा, सीटीओ मुकेश आजाद भी मौजूद रहे। विदिशा से भेलाल धाकड़ की रिपोर्ट। हम 14 एमपी बटालियन एनसीसी विदिशा से हैं। मैं हूं, मेरे साथ मेरे एडम ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट यश छिब्बर, मेरा नाम कर्नल अरविंद राणा है, मेरे पास 22 फौजी स्टाफ है और बाकी लोकल सिविलियन स्टाफ है। कैडेट्स हमारी बटालियन में तकरीबन 3,500 हैं और इस वृद्धाश्रम में आना अब तकरीबन हमारी आदत में शामिल हो गया है। अगर मैं कहूँ तो तीसरी बार है जब हम कैडेट्स को लेकर के आए हैं और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आज के बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में हैं, वो यहाँ आएँ, वो देखें कि उपेक्षित जो माता पिता हैं, वृद्ध हैं, उनके रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ है। इस व्यवस्था से प्रेरणा लें और ये निर्णय लें कि उनके घर के बुजुर्गों के साथ ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो सुख, जो संतुष्टि अपने घर परिवार में मिलती है, वो आश्रम में कितनी ही अच्छी व्यवस्था हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो बच्चे इस बात को समझें, समाज की हकीकत को जानें, इसको कम करें, इसकी ओर उनका ध्यान जाए। कल को वो किसी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन में बने तो इस ओर मदद करें। और साथ में हमारा मकसद रहता है कि हम थोड़ा समय बिताएं बुज़ुर्गों के साथ, एक दिन खुशी का दें उनको, और जो भी छोटा मोटा सहयोग हम संचालन में, व्यवस्था में कर पाएं, वो हम करें। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।